Disclaimer: This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. धीर भाई, आपकी मेहनत और सपोर्ट से पूरे गांव का अच्छा विकास हो रहा है। हाँ भाई, एक और वो प्रधान मुखिया होने के नाते भी कुछ नहीं कर रहा। अरे ऐसा कुछ नहीं, ये सब तो भगवान का आशीर्वाद और आप सबका प्रेम है। धीर भाई, प्रधान जी ने बुलाया, कुछ खास काम बता रहे हैं। हाँ आप चलो गाड़ी निकालो, मैं आता हूँ। तो ठीक है, अब हम निकलते हैं, और कोई परेशानी हो तो हमें जरूर बताना। राम राम प्रधान जी, तो बताइए कैसे याद किया आज? अरे याद तो आप हमेशा ही रहते हैं, आप ही के सहारे तो हमारा गुजारा चलता है। इनसे मिलिए, ये है अजय मेहरा, शहर से आए और यहाँ बियर फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। हाँ तो इसमें मेरा क्या काम है? आपको कुछ नहीं करना, बस सभी गांव वालों की जमीन के कागजों पर साइन करवा के हमारे साथ मिल जाओ, क्योंकि गांव में आपका खासा दबदबा है, वरना जमीन तो हम भी खाली करवा सकते हैं। क्या प्रधान, जानते हो मैं ऐसे काम नहीं करता, फिर भी? जानता हूं, तभी तो। क्या प्रधान, आजकल तो चमचे भी साथ लेकर घूमने लग गए। देख आखिरी बार पूछ रहा हूं, इसमें तेरा भी बहुत फायदा है। देख मुझे इसे फायदे से नफरत है, जो किसी गरीब की जान ले। हाती माझा माईक सुरू झाली ही कहानी, एक यार खास माझा दोस्ती पुरानी, होड मध्ये दोघे असे जसे जय वीरू, सारी सिटी ही झाली दोस्तीची ही दिवानी, एका मागे एक आम्ही गरम करत गेलो, सीन मध्ये वातावरण गरम करत गेलो, झाली ही दोस्ती खराब, त्या चुकीमुळे आम्ही दोघे लांब सरत गेलो। मेरे यार मेरे यार मेरे यार, जाने ये तू है कहा, मेरे यार मेरे यार मेरे यार, ऐसी क्या हुई खता, मेरे यार मेरे यार मेरे यार, जाने ये तू है कहा, मेरे यार मेरे यार मेरे यार, ऐसी क्या हुई खता। दोघांमध्ये झाले सुरू असे मतभेद, नाही मेसेज नाही कॉल नाही झाली पुन्हा भेट, ज्या दोस्तीच्या शब्द हे जग घेत होत, त्या दोघांमध्ये एक दुसऱ्यासाठी का हेट, वेट केला खूप दोघांमध्ये ॲटिट्यूड, दोस्तीमध्ये गैरसमज होता खूप, एके दिवशी अचानक तो माझा। अरे जीतू भाई, आज उदास कैसे हो? कुछ नहीं भाई, वो जो मुकेश सेठ है ना, वो गांव में नकली शराब के रूप में केमिकल बेच रहा है, जिससे अपने गांव वाले बीमार हो रहे हैं। ये साला हमारे होते हुए ऐसा काम कैसे कर सकता है? आजकल साला ज्यादा ही वामी उड़ने लगा है। क्या करें इसका?
चलकर देखना पड़ेगा। हाँ चल। ये वाली ठीक है, ये वाली चलने दो, है ना? धीरो भाई, आज हमारे इलाके में कैसे? तेरे पास सिर्फ 2 मिनट हैं, ये सब बंद कर दे। इसको कैसे बंद कर सकते हैं? ये तो हमारा रोजगार है। 1 मिनट। नहीं करेंगे, क्या कर लेगा तू? ले कर लिया, अब तू कर ले कुछ भी। इसका बदला लूंगा, मैं जरूर लूंगा भाई। शर्मा जी का पेमेंट आ गया? हाँ भाई। और किसी का कोई हिसाब बाकी? नहीं। क्या मजाक कर रहा है? अजय ऐसा कर नहीं सकता। नहीं भाई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुझे कुछ गलत फहमी हुई है? नहीं भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। बस अब कुछ नहीं, अजय ऐसा कर ही नहीं सकता। आजा खेत की तरफ चलते हैं। लेकिन भाई सच बोल रहा हूँ। तलाशी ले, ये कौन है भाई? अजय, अजय का कॉल आया है इसमें। क्या? अजय का कॉल आया है इसमें। लगा इसको कॉल और बुला। हेलो अजय। क्या हुआ, यहाँ किसे बुलाया? तो अब तू गद्दारी भी करने लगा है। गद्दारी? किसके साथ गद्दारी? ये देख, ये नंबर तेरा है ना, और ये तो जानता होगा किसका है ये फोन। मैं नहीं जानता किसका है ये फोन। तेरे पे मैंने आग बंद करके भरोसा किया था, लेकिन अब वो भरोसा नहीं रहा। चला था मेरी नजरों के सामने से। किस सोच में डूबे हो भाई? कुछ नहीं यार, बस थोड़े से अच्छे दिनों की यादों में उलझ गया था। एक बार उससे मिलकर बात ही कर लेते। नहीं यार, तू भी जानता है टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए समझौते ही होते हैं, और समझौतों का क्या, वो तो फिर भी टूट सकते हैं। खैर छोड़, तू तो ये बता, पार्टियों का पेमेंट आ गया क्या? हाँ भाई आ गया। चल फिर।
तो लड़ाई हो गई थी ना। बेशक हमारे बीच में कुछ भी हुआ हो पर तुझे इसका फायदा नहीं उठाने दूंगा। भाई मुझे माफ कर दो। बाकी सब गलतियों की तो माफी हो सकती है पर गद्दारी की नहीं।